हेलो बच्चों, आज हम एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 एक्सरसाइज 8.1 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का फिफ्थ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। ये कुछ हमारे पास एलिप्स का इक्वेशन दिया है, तो यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं कि किस एक्सिस पे निकालना है। तो इट मीन्स कि एरिया जो निकालना पड़ेगा हमें थ्रोड पूरा एलिप्स का ही निकालना पड़ेगा। तो इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ए का वैल्यू कितना जाएगा 2 और बी का वैल्यू कितना जाएगा बेटा 3। तो हियर जो वी है वो ग्रेटर देन ए से है, तो इट मीन्स कि मेजर एक्सिस जो रहेगा आपका एलिप्स में वो वाई एक्सिस मेजर एक्सिस रहेगा और एक्स एक्सिस में माइनर एक्सिस रहेगा। तो थ्रू आउट हमें पूरा ही इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो हर एक पार्ट जो होगा सिमेट्रिकल होगा, तो देन एक पार्ट का निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन इज इक्वल टू 4 इंटू 0 टू 2 वाई डी एक्स, 0 टू 2 से लेके वाई डी एक्स। तो वाई का वैल्यू हम सिंपल एलिप्स के इक्वेशन से निकाल सकते हैं। इस तरह से सिंपल कैलकुलेट करके हमारे पास कैलकुलेट करोगे तो वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, वाई इक्वल टू 3/2 रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू 4 इंटू इंटीग्रल 0 टू 2 3/2 स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर देख सिंपल आप देखो तो यहाँ पे है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट बन रहा है। तो सिंपल इंटीग्रल कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का हमारे पास एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो सिंपल हम ये फार्मूला लगा देंगे यहाँ पे, सिंपल इसका इंटीग्रल लगा देंगे। तो इंटीग्रल होने पर कितना बन जाएगा हमारे पास, 6 इंटू एक्स बाई टू स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4/2 साइन इनवर्स एक्स बाई टू, और इंटीग्रल कौन से 0 से लेके 2 तक। जब अपर लिमिट यहाँ पे डालोगे तो कितना हो जाएगा, अपर लिमिट यहाँ पे आप फर्दर डालोगे अपर लिमिट, तो अपर लिमिट हो जाएगा बेटा यहाँ पे कितना जाएगा 2/2। देन यहाँ पे डालोगे तो ये वाला पोर्शन तो 0 हो गया, प्लस 2 × 4 से कैंसिल हो कितना जाएगा 2, देन साइन इनवर्स 2/2 इज 1। माइनस जब लोअर लिमिट डालोगे तो यहाँ पे भी ये 0 हो जाएगा ये वाला पोर्शन, और सेकंड जब डालोगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो सिंपल हमारे पास एक सिंपल यही फैक्टर बचेगा। तो इट मीन्स अगर इसे सिंपल आप कैलकुलेट करो तो हमारे पास सिंपल यही फैक्टर बचा। तो 6 × 2 साइन इनवर्स 1, अगेन 1 वाला वैल्यू किस एंगल पे रहता है बेटा साइन का, साइन π/2 पे 1 होगा, तो हम 1 की जगह कितना लिख देंगे साइन π/2, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। देन 6 × 12 मल्टीप्लाई π/2, देन पाई, देन 2 से 12 काट देंगे, 2 × 6 = 12, देन कितना जाएगा 6π² आपके पास रिक्वायर्ड एरिया ऑफ एलिप्स आ जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है और एक्स एक्सिस से एनक्लोज्ड है वो निकालना है। इसमें लाइन कितना दिया है, लाइन इक्वल टू रूट 3y एंड द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो गिवन हमारे पास दिया है, उन्होंने बेटा सर्कल दिया है एक, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, और एक लाइन का इक्वेशन दिया। तो कंस्ट्रक्शन कुछ एलिप्स का इस तरह का होगा। अगर इस तरह का इक्वेशन हो सर्कल का तो उसके बाद ओरिजिन कितना होता है, 0 0 ओरिजिन होता है। तो हमारा सर्कल का कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से बनेगा, ये हमारा को सर्कल आ गया और इन्होंने मेंशन किया है कि एनक्लोज जो एरिया वो एक्स एक्सिस में और फर्स्ट क्वाड्रेंट, मीन्स कि लाइन हमारा कुछ इस तरह से बाइसेक्ट करता हुआ जाएगा। तो एरिया निकालने के लिए सबसे हम देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी एरिया है, एरिया अंडर द लाइन, और देन इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक एरिया अंडर द कर्व हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। तो वाई सॉल्विंग टू इक्वेशन वी गेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ से जब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो पुट 2 इन 1, तो हमारे पास बनेगा रूट 3y² प्लस y² इक्वल टू 4, और देन इसको सिंप्लीफाई करोगे आप तो हमारे पास आ जाएगा y² इक्वल टू, इस तरह से कुछ हमारे पास आएगा 3y² प्लस y² इक्वल टू 4, देन 4y² इक्वल टू 4, देन सिंपल करोगे तो आपके पास कितना जाएगा y इक्वल प्लस माइनस 1। तो y का वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में डाल देंगे, एक बार प्लस डालेंगे और एक बार माइनस, तो प्लस डालने पर हमारे पास रूट 3 आ जाएगा, माइनस डालने पर कितना जाएगा माइनस रूट 3। तो सिंपल हमारे पास जो रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा, देन रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक होगा, इंटीग्रल 0 to √3 वाई डी एक्स लाइन के नीचे का एरिया, और √3 to √2 वाई डी एक्स सर्कल के नीचे का एरिया। तो ये वाला वो पोर्शन है, 0 से लेके हम अगर बात करें 0 से लेके कहाँ तक आया √3, 0 से लेके
ये वाला जो पॉइंट है ये परपेंडिकुलर गिरा के हम ये वाला पॉइंट बन जाएगा जीरो से लेकर रूट थ्री लाइन के नीचे का एरिया, और फिर रूट थ्री से लेकर टू जो होगा वो सर्कल के नीचे का एरिया। तो दोनों ऐड अप करके जो एरिया आएगा वो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया होगा। तो यहाँ पे हमने डाल दिया जीरो टू रूट थ्री, और वाई डी एक्स मीन्स वाई का वैल्यू आप लाइन वाली इक्वेशन से निकाल सकते हैं कितना आएगा एक्स अपॉन रूट थ्री, और यहाँ पे वाई वाला इक्वेशन आप सर्कल की इक्वेशन से निकाल सकते हो तो वो कितना आएगा रूट फोर माइनस एक्स स्क्वेयर। तो सिंपल इसको आप इंटीग्रल करोगे तो हमारे पास जाएगा एक्स स्क्वेयर अपॉन टू प्लस, यहाँ पे फार्मूला है अगेन ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, स्क्वेयर रूट के लिए स्टैंडर्ड इंटीग्रल रहता है हमारे पास एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई टू। तो सिंपल वो लगा के हम सिंपल इसे कैलकुलेट कर सकते हैं तो कितना जगह यहाँ पे अगर सिंपल लिमिट डालें हम इसका तो कितना जगह वन बाई थ्री, वन बाई रूट थ्री ऑलरेडी है तो यहाँ से वन बाई टू बाहर आ जाएगा, अपर लिमिट डाला रूट थ्री का स्क्वेयर माइनस लोअर लिमिट डालोगे तो जीरो हो जाएगा, स्क्वेयर के साथ रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा, प्लस यहाँ पे अपर लिमिट डाला तो टू बाई टू यहाँ पे जब डालोगे तो जीरो हो जाएगा। तो इट मींस कि ये वाला फैक्टर तो अपर लिमिट लाने पे कितना हो गया जीरो हो गया। देन फोर बाई टू इज टू एंड अगेन यहाँ पे लिमिट डाला टू तो टू इंटू टू कितना हो जाएगा कैंसिल होकर टू से टू कैंसिल होकर वन आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट कितना है रूट थ्री, एक्स की जगह कितना है रूट थ्री बाई टू और इधर कितना फोर माइनस रूट थ्री स्क्वेयर, और जब रूट थ्री स्क्वेयर डालोगे आप तो स्क्वेयर से रूट कैंसिल होकर कितना आ जाएगा थ्री आ जाएगा, माइनस माइनस फिर से आएगा फोर बाई टू इज टू एंड साइन इनवर्स थ्री एक्स की जगह डल जाएगा रूट थ्री बाई टू। तो सिंपल इसे कैलकुलेट करेंगे कितना जाएगा यहाँ पे आएगा वन बाई टू रूट थ्री मल्टीप्लाई ये कैंसिल आउट होके कितना जाएगा थ्री प्लस टू साइन इनवर्स वन, वन का वैल्यू कितना है बाहर लिखा है साइन इनवर्स तो अंदर भी साइन का ही वैल्यू रहेगा तो कितना जाएगा साइन पाई बाई टू, वन किस एंगल पे थे साइन पाई बाई टू से पाई बाई टू पर, और माइनस रूट थ्री बाई टू और यहाँ पे कितना है रूट वन, रूट वन इज़ वन सिंपल, और माइनस टू साइन इनवर्स रूट थ्री बाई टू अगेन यहाँ पे साइन इनवर्स है तो रूट थ्री बाई टू अगेन साइन का ही वैल्यू होगा तो साइन का वैल्यू किस एंगल पे होता है पाई बाई थ्री मीन्स सिक्सटी पे, अगेन यहाँ से साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपल हमारे पास कुछ इस तरह से बचेगा थ्री अपॉन टू रूट थ्री प्लस टू इंटू पाई बाई टू माइनस रूट थ्री बाई टू माइनस टू पाई बाई थ्री, सिंपल टू से टू कैंसिल होकर कितना बचा थ्री अपॉन टू रूट थ्री, साथ में रूट थ्री को रेशनलाइज भी कर दिया रूट थ्री अपॉन रूट थ्री प्लस पाई माइनस रूट थ्री बाई टू माइनस टू पाई बाई थ्री। तो सिंपल इसको जब आगे कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास कितना जाएगा थ्री से थ्री कट हो जाएगा ऊपर रूट थ्री बच जाएगा डिनोमिनेटर में टू भी बच जाएगा प्लस पाई माइनस रूट थ्री बाई टू माइनस टू पाई बाई थ्री, अगेन यहाँ से रूट थ्री बाई टू कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास जाएगा पाई माइनस टू पाई बाई थ्री, अगेन एलसीएम लोगे तो थ्री पाई माइनस टू पाई बाई थ्री, थ्री में से टू गया पाई पाई बाई थ्री स्क्वेयर यूनिट आपके पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। आई होप सबको समझ आ गया होगा, इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ शेयर एंड कमेंट, थैंक्स अ लॉट।